Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइज, जैसे कि आपने स्मैकडाउन का लास्ट एपिसोड देखा गाइज, उसमें आपने देखा कि एज ने उनका WWE रिटर्न किया और उन्होंने सीधा रोमन रेंज को अटैक किया। और ये रिटर्न के बाद बहुत फैसिनेटिंग क्वेश्चन है कि क्या है एज का समर स्लैम 2021 के प्लेस का। को पता है मनी इन द बैंक में को मैच देखने वाला है बिटवीन रोमन रेंज एंड एज फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये इवेंट के बाद क्या है WWE के फ्यूचर प्लान्स फॉर एज। सो आज मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है एज के WWE के फ्यूचर के बारे में। बस वो अपडेट जानने के लिए ये वीडियो को, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एज के बड़े वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के। सो गाइस, हमको एक टॉप सोर्स से न्यूज मिला है कि WWE अभी फिलहाल प्लान कर रही है एज और सेथ रॉलिंस का मैच फॉर समर स्लैम 2021। WWE प्लान कर रही है जो समर स्लैम का इवेंट रहेगा ये लगा उसको सबसे बड़ा इवेंट बनाना। मैंने आपको बोला ना गाइस कि WWE प्लान कर रही है रेसलमेनिया से भी बड़ा इवेंट बनाना, इसे उनको चाहिए बड़े बड़े मैचेस। और WWE प्लान करेगा वो स्मैकडाउन के साइड से दो बड़े मैच देखने वाले हैं, एक है बिटवीन रोमन रेंस एंड जॉन सीना एंड दूसरा है बिटवीन एज एंड सेथ रॉलिंस। इसका हिंट WWE ने ना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपको पता है जो टॉकिंग स्मैक का एपिसोड होता है ठीक स्मैकडाउन के बाद, वैसे उसमें सेथ रॉलिंस थे और वो बहुत भड़के थे कि क्यों WWE एज को मैच दे, क्योंकि आपको पता है सेथ रॉलिंस बहुत महीनों से नॉन स्टॉप WWE में रेसल कर रहे हैं और एज अभी रिसेंटली ही 6-7 महीने का ब्रेक ले गया और ये पॉइंट आउट सेथ रॉलिंस कर रहे थे। और तभी ये मैच ऑफिशियल हुआ था टॉकिंग स्मैक के एपिसोड में भी सेथ रॉलिंस के सामने। सेथ रॉलिंस इतने भर गए कि उन्होंने आर्गुमेंट के वक्त ही टॉकिंग स्मैक के एपिसोड छोड़ के चले गए। नहीं गाइस, आर्गुमेंट हो रहा था बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड केला ब्रैक्सन गाइस, सेथ रॉलिंस इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बीच में ही आर्गुमेंट छोड़ के वो चले गए। आप देख सकते हो कि गाइस WWE क्लियरली हमको दिखा रही है सेथ रॉलिंस और एज का फ्यूचर फ्यूड। बस ये फ्यूड हमको मनी इन द बैंक में स्टार्ट होकर दिखेगा गाइस, तभी हमको दिखेगा कि तभी रोमन रेंस और एज का मैच करेगा, उसमें सेथ रॉलिंस इंटरफेयर करेंगे और वो एज को मैच कॉज करेंगे। क्योंकि सबको पता है कि सेथ रॉलिंस बहुत ही भर गए कि एज को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उनको मिलेगा एज ने, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने टॉकिंग स्मैक के एपिसोड में बोला कि वो अभी सबसे बेटर तैयार लगते हैं चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए। उनके लास्ट फ्यू मंथ्स है, उनको लगता है वो लाइफ के बेस्ट शेप में और बेस्ट कैरेक्टर में, इसलिए उनको चाहिए कि वो रोमन रेंस को चैलेंज करे फॉर ए यूनिवर्सल चैंपियनशिप, लेकिन उनकी जगह एज चैलेंज करे। और यही चीज़ एज सेथ रॉलिंस को बहुत ही चुभ रही है, ऐसा उन्होंने टॉकिंग स्मैक के एपिसोड में बोला गया। जैसा आप देख सकते हो कि सेथ रॉलिंस को पहले से एज से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ये प्रॉब्लम हमको मनी इन द बैंक के वक्त स्टार्ट होते दिखेगी, तभी हमको सेथ रॉलिंस एज के मैच में इंटरफेयर करते हुए दिखेंगे और हमको इनकी फ्यू स्टार्ट होते दिखेगी वही पे हो जाएगा। ये मैं ऐसा कोई स्पेकुलेशन से नहीं बोल रहा हूँ, हमको एक टॉप सोर्स से न्यूज़ मिला है कि WWE मैच प्लान कर रही है। बस हमको यानी कैसे हमको मोस्ट प्रॉबली ये साल के समर स्लैम के इवेंट में मैच दिखेगा बिटवीन समर एज एंड सेथ रॉलिंस। और गाइज, अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।